हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने आप को शाई समझते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा चार ऐसे टिप्स जो शायद आपको बेनिफिट करें आपकी शाइनेस दूर करने में। बच्चों, हम ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं, मैंने भी एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हम्बल रहिए, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करना, जेंटल रहिए। बचपन से हम सुनते भी थे कि ही इज वेरी स्वीट। आपने भी सुना होगा अपने बारे में कि बहुत से लोग आपको कहते होंगे कि कितना फोकस्ड है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देता है, काम से काम रखता है, कितना नाइस है, ही इज वेरी हम्बल, ही इज वेरी जेंटल। ये छोटी छोटी क्वालिटीज बच्चों धीरे 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 डेवलप होकर हमारे शाय नेचर का कारण बनती हैं। बट इस शाय नेचर को हम ऐसा नहीं है कि यूं करा और भगा दिया, वी हैव टू वर्क ऑन इट, हमें इसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसी चार बातें जो शायद आपके इस शाइनेस को दूर कर सके। तो देखते हैं मेरे साथ कि हाउ टू ओवरकम इट। बच्चों, सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, सबसे पहला टिप ये देना चाहूंगा कि जो शाय व्यक्ति होता है, जो हम शाय नेचर फील करते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, किसी ने हमें कोई बात बताई, हम सुन लेते हैं, ठीक है, ओके। आपको क्यूरियस होना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए एक न्यूज रिपोर्टर की तरह बनने की, यानी कि अपनी क्यूरियोसिटी को ज्यादा शो करने की। आप सामने वाले से ज्यादा क्वेश्चन पूछा करो, कोशिश करो अपने दोस्तों के साथ जब आप हो या किसी भी महफिल में अगर आप हो तो वहां पे अपनी क्यूरियोसिटी शो करो, उससे सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ ये इंटरेस्टेड है और वो आपसे ज्यादा बातें करेगा। और जितनी क्यूरियोसिटी आप शो करोगे वो कहीं ना कहीं आपकी शाइनेस को कम करेगी। ये पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है बच्चों, क्योंकि जो भी चीजें मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूं वो सारी की सारी वही होती हैं जो मैंने खुद अपनी लाइफ में देखी हैं, जो अपनी लाइफ में सीखा है। मुझे भी पहले बचपन में बोलते थे कि ये बड़ा शाय है, लेकिन अगर मुझे जो काम करना था, जो मेरा प्रोफेशन था, उसमें शायनेस का कोई रोल नहीं है। तो धीरे धीरे मैंने अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ाई, मैंने शर्माना छोड़ दिया, मैंने सोचा जो चीज मुझे पूछनी है वो मैं पूछूंगा, उसके लिए डरना कैसा। तो आप सबसे पहला टिप मेरा ये याद रखो कि आप क्यूरियोसिटी बढ़ाओ, हर चीज में क्यूरियस हो जाओ। बट हाँ, ध्यान रखना सामने वाले को अनॉय मत कर देना कि जबरदस्ती क्वेश्चंस पूछ रहे हो। बी लिमिटेड, लिमिट में रहना, लेकिन क्यूरियोसिटी, जेन्युइन क्यूरियोसिटी आपको अपनी बढ़ानी चाहिए। दूसरी टिप मैं आपको दूंगा, बी डिस्क्रिप्टिव। कई बार क्या होता है कि कोई हमसे कुछ पूछता है और हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल या छोटा सा आंसर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन वर्ड आंसर दे दिया कि आज तुमने क्या करा, आपने बोल दिया कुछ नहीं, तो ठीक है, बात खत्म हो गई। कोशिश करें कि जब भी आपसे कोई सवाल करे उसका जवाब थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव तरीके से दे, थोड़ा सा इलैबोरेट करके दे। उससे क्या होगा, आप सामने वाले से कनेक्ट कर पाओगे। जितना आप सामने वाले से कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली आपकी जो शाइनेस है वो कम हो जाएगी। मैंने खुद इस चीज को फॉलो करा। शुरू में जब बच्चों के साथ इंटरैक्ट करता था, बच्चा कुछ पूछता था तो मैं भी बस आंसर दिया, काम खत्म। धीरे धीरे मैंने उसको और डिस्क्रिप्टिव बनाया तो बच्चे को भी मेरे से कनेक्शन हुआ, मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ मैं सामने वाले को और बेहतर समझा पा रहा हूं, और बेहतर बता पा रहा हूं। तो ऑटोमेटिकली आपकी शाइनेस दूर हो जाएगी। टिप नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है, आप ये मत सोचो कि मुझे कल से ही अपनी शाइनेस दूर करनी है। टेक बेबी स्टेप्स, जरूरी नहीं है कि एक बार में ही मैसिव स्टेप लेना है। धीरे धीरे शुरुआत करो, चाहे एक स्टोरी टेलिंग करो, एक छोटी सी कहानी सुनाओ अपने भाई को, छोटी बहन को, कोई भी स्टोरी सुना दो। जब आप बोलना शुरू करोगे, स्टोरीज बताना शुरू करोगे, आप खुद फर्क महसूस करोगे कि आपकी शाइनेस जो है वो कम हो रही है। धीरे धीरे करते करते ये आपके नेचर में आ जाएगा। और कहीं पर भी, किसी भी महफिल में आप जाओगे, कहीं पर भी आपको खड़ा कर देंगे तो आपको बोलने से डर नहीं लगेगा, आपको शर्म नहीं आएगी। तो बी अ स्टोरी टेलर, टेक बेबी स्टेप्स। आज किसी को दो लाइन की ही कहानी सुना दो, छोटी सी कहानी, बट कहानी जरूर सुनाओ। एंड फोर्थ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, बी योरसेल्फ। जो आप हैं उससे मत बदलना, जो आपकी क्वालिटीज हैं उससे मत हटना। कई बार क्या होता है, 80% ऑफ द टाइम तो मैं देखता हूं शाइनेस जो होती है वो सिर्फ आती है हमारी लैंग्वेज की वजह से। आपको लगता है जो इंग्लिश बोल रहा है वो तो कुछ भी बोल रहा है, तो ठीक है मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, मुझे शर्म आ रही है, कोई बात नहीं। आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से ऐसे ऐसे अच्छे वक्ता हैं जो हिंदी बोलते हैं, आप हिंदी बोलो, मराठी बोलो, गुजराती बोलो, कोई बात नहीं। बी योरसेल्फ, जो हो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हो सकता है इस वीडियो में मैंने भी कहीं फंबल कर दिया हो सकता है इस वीडियो बनाते समय मैं भी कुछ बात भूल गया हूं। नोबडी इज परफेक्ट। और सोशल मीडिया में जो हम देखते हैं कि ये ऐसा इन्फ्लुएंसर है, ये वैसा इन्फ्लुएंसर है, इसके ये फॉलोअर्स हैं, ये इतना सक्सेसफुल है, किसी की भी हमें ओरिजिनल कहानी नहीं पता। हो सकता है उसने क्या स्ट्रगल करा हो, या हो सकता है वो पर्दे के पीछे कितना हार्ड वर्क कर रहा हो, हो सकता है वो भी परफेक्ट ना हो, उसकी भी बहुत सी कमियां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो हो वो हो,
अपने आप को खुल के प्रेजेंट करो, अपनी स्पीच दो, बोलो 10 बार फंबल हो रहा है 10 बार फंबल करो, 100 बार फंबल हो रहा है 100 बार फंबल करो, हो सकता है मैं भी करूंगा, कोई परफेक्ट नहीं है, बी और सेल्फ। ध्यान रखना, कभी ये मत सोचना कि मैं जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगा, पूरी तैयारी करूंगा, तब मैं जाके स्पीच दूंगा या तब मैं जाके ऑडियंस को फेस करूंगा। नहीं, चले जाओ, करो, करते 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 ऑटोमेटिकली आप परफेक्शन के क्लोज आ जाओगे। बट कभी उसको अपना एम मत लेके चलना कि मुझे परफेक्शन ही चाहिए। नहीं, आपको सिर्फ अपने पर फोकस करना है, आप जो हो अपने आप को प्रेजेंट करो, अपनी मेहनत से अपने आप को आगे बढ़ाओ, दैट्स इट। ये मत सोचो कि क्या सामने वाला क्या सोचेगा। तो आपको क्या करना है, 4 चीजें, क्यूरियस बनो, लोगों से ज्यादा क्वेश्चंस पूछो। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव बनो, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपसे कुछ पूछा तो 1 वर्ड आंसर दिया, काम खत्म। थोड़ी सी कहानी लपेटो, धीरे धीरे बोलना आएगा, शाइनेस अपने आप चली जाएगी। तीसरा, स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी स्टोरी सुनाओ, बड़ी स्टोरी सुनाओ, धीरे 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 स्टोरी टेलर्स बनो। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप हो वही आप रहो। डोंट थिंक कि मैं बिल्कुल परफेक्ट ही बनूंगा, नहीं, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में। तो आप जो हो वो रहो, अपने ऊपर काम करो। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ही हो, हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, किसी में बोलो, बट बी योरसेल्फ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों, इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा होगा तो डेफिनेटली आपकी शाइनेस कुछ हद तक कम होगी, और इस पे काम करना शुरू करोगे तो कुछ ही महीने में आप अच्छा रिजल्ट देखोगे। ऑल द बेस्ट।